हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारी बी आर टैच एंड हिंदी वागेला को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बी आर टैच एंड हिंदी वागेला। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चाइनीज कॉलर कटिंग करने वाले हैं। तो चाइनीज कॉलर कटिंग के लिए क्या क्या चाहिए? एक सीधी स्केल, पेन, मेजर टेप, फ्रेंच कर्व और एक कागज का टुकड़ा जिसकी लेंथ समथिंग 11 इंच, लंबाई और 3 इंच चौड़ाई। तो चलिए दोस्तों, हम चाइनीज कॉलर की कटिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरह कागज को डबल फोल्डेड कर दीजिएगा इस तरह से, और इसको सबसे पहले सीधी लाइन खींच लीजिए जो नीचे की साइड पे सबसे नीचे, इस तरह से सीधी लाइन खींच लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, हम हमारा कॉलर जितना चाहिए, मान लीजिए हमें 14 इंच का कॉलर चाहिए, तो एक एक 7 इंच पे मार्किंग कीजिए और 1 इंच प्लस कर दीजिए इसमें, तो टोटल हमारा हुआ 8 इंच। तो 8 को आधा इंच करें, आधा में डिवाइड करेंगे, 8 का आधा 4, तो 4 इंच पे एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। 4 इंच पे मार्किंग करने के बाद हम यहाँ से 1.5 इंच ऊपर उठाएंगे, 1.5 इंच ऊपर की ओर एक मार्किंग करेंगे। और ये जो हमने 8 इंच का मार्किंग किया, वहाँ पे भी एक आगे की ओर एक 8 इंच का मार्किंग करके इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद जो हमने 1.5 इंच को गोलाई देने के लिए जो ऊपर उठाया, या इस निशान को इस नया साइज निशान से इसे ऐसे फ्रेंच करवा से गोलाई दे देंगे इस तरह से। गोलाई देने के बाद दोस्तों, ये जो हमने आधे पे मार्किंग किया है ना, जो 4 इंच पे, तो आधा आधा कॉलर हमारा पीछे से जो स्ट्रेट होता है, इसलिए हम आधा कॉलर स्ट्रेट रखते हैं और आगे की साइड पे इस तरह से गोलाई देते हैं। तो 1.5 इंच के गोलाई इस तरह से हमने दिए जो इस तरह से गोलाई देते हैं। इसके बाद ऊपर के हम पट्टी का मार्क कितनी चौड़ी रखेंगे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं 1.25 इंच की रखता हूँ, तो 1.25 इंच पे एक मार्किंग कीजिए यहाँ तक सीधा ही रखेंगे आधे कॉलर पे, जो 8 इंच का था, तो 4 इंच तक हम सीधा ही रखेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ से भी हम 1.25 इंच का मार्किंग कर लेंगे इस निशान से, आप देख सकते हो ये वाली जो लाइन खींची है गोलाई में, यहाँ से भी 1.25 इंच हम ऊपर की ओर मार्किंग करेंगे और इसको हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ से 1/2 इंच का तिरछा मार्किंग करेंगे, ये सीधी लाइन है ना, वहाँ से 1/2 इंच का तिरछा माप करेंगे और इसको इस तरह से तिरछा लाइन खींच लेंगे ऐसे, और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। ये कॉलर दोस्तों चाइनीज कॉलर है, जो स्टैंड पट्टी भी बोल सकते हैं इसको, हमारे यहाँ स्टैंड पट्टी बोलते हैं। इस तरह से गोलाई दे दीजिएगा।
इसके बाद इसको आप काट लीजिए। ये हमारा कॉलर बनकर रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसे काट लेते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर लीजिए। अब देखते हैं कैसी कटिंग हुई है हमारे। तो दोस्तों, चाइनीज कॉलर की कटिंग रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कॉलर कटिंग हुई है। आप भी इस तरह से कॉलर कटिंग कीजिए, बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी और बहुत ही अच्छी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया कटिंग हुई है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी कटिंग कर सकते हैं और इस तरह से कटिंग कीजिए तो आपकी शर्ट पे बहुत अच्छी फिटिंग बैठेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।